विगत 6 माह पहले दिव्यांग लड़की से प्रेम विवाह करने के बाद पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी वकील कल रात 2 बजे कोतवाली पुलिस की कस्टडी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। थाना से आरोपी के भागने की जानकारी मिलते ही कोतवाली सहित समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस अलर्ट हो गई और नाकाबंदी करते हुए महज 5 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मर्डर कर दिया था, उस पर फलस्वरूप उसमें 302 का मुकदमा कायम करके उनकी गिरफ्तारी की गई थी। आज तड़के सुबह करीबन 2 से 2:30 के बीच में वो थाने से एस्केप हो गए थे, इस पर कि उनके विरुद्ध 224 का मुकदमा कायम किया गया था और तब उनकी मुकदमा कायम होने के पश्चात उनकी बहुत सर्चिंग की गई, जिसके फलस्वरूप वो उनकी गिरफ्तारी की गई, वो पुनः उनको गिरफ्तार किया गया। स्टाफ वालों के लिए कुछ कार्रवाई इस मामले में पूरी जांच की जा रही है, एडिशनल एसपी सिटी में जांच करेंगे, जांच के विरुद्ध के हिसाब से जैसे जैसे जांच में आएगा उसके उपरांत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।